हे गाइस, वेलकम टू आर्टिस्ट बॉक्स। गाइस, आज हम एक ऐसे आर्ट फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त है, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट का अगर मैंने नाम लिया है तो आपके सामने एक ऐसा पेंटिंग क्रिएट हो गया होगा। एक कैनवस है जिसके ऊपर बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के शेप हैं और अलग अलग तरीके के फॉर्म हैं। 19th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते दुनिया को एक ऐसा आर्ट फॉर्म देखने को मिला जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक था। वैसली कैंडिंस्की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में इनकी भूमिका बहुत ही अहम थी। उन्होंने पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट में नए नए फॉर्म्स लाए, नए नए फॉर्म्स को क्रिएट किया और इसको और आगे बढ़ाया। इस पेंटिंग में आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई रियलिस्टिक फॉर्म दिखाओ, कोई रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट दिखाओ, कोई जरूरी नहीं है। आप जो फील कर रहे हो, जो आपके माइंड में या फिर जो आपके दिल में जो कंपन हो रही है, उसी को बस कैनवस पे क्रिएट करो। वो भी एब्स्ट्रैक्ट है। आप जिस नजर से दुनिया को देख रहे हो, आप जिस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हो और एक अपना फॉर्म क्रिएट करके उसको एक पेंटिंग का रूप देते हो, वो भी एक रियल एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में जरूरी नहीं है कि आपका जो ड्रॉइंग है जो रियलिस्टिक ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई मेथड लगाओ इसके अंदर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपका ऑब्जर्वेशन। कॉलेज टाइम की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। आर्ट कॉलेज में था तो मैं एक बार एग्जीबिशंस देखने गया एंड वो टाइम पे भी मुझे एब्स्ट्रैक्ट उतना नहीं समझ आता था। एज अ बिगनर आर्टिस्ट है, ज्यादातर अगर एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं तो ज्यादातर पोर्ट्रेट कंपोजिशन या फिर लैंडस्केप ही ज्यादातर देखते होंगे। एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हमारा ध्यान ज्यादातर जाता ही नहीं, क्योंकि हमें एक डिफरेंट शेप दिखता है, डिफरेंट कलर दिखता है, हम वो देख के फिर आगे बढ़ जाते। उस तरीके की बातें कुछ वो टाइम पे मुझमें थी। मैं एक जगह में एग्जीबिशंस देखने गया, एब्स्ट्रैक्ट का पूरा एग्जीबिशंस ही देखा कि वहां पे लाइन से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही लगी हुई है। जब मैंने उन आर्टिस्ट से पूछा कि सर ये मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, तो एक सेकंड के लिए तो वो आर्टिस्ट थोड़े शॉक्ड हुए। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपको क्या लगती है, तो मैंने बोला ये तो जस्ट मुझे एब्स्ट्रैक्ट जैसे पेंटिंग लगती है। तो बोले ओके। तो एग्जीबिशंस के बाहर ही एक विंडो थी, वहां से उन्होंने मुझे बाहर देखा और मुझे वो क्या दिख रहा है, तो मैंने बोला कुछ नहीं, प्लांट्स दिख रहे हैं, ट्री दिख रही है। तो बोले ओके। तो बोलते हैं कि वो तो तुमने अपने पर्सपेक्टिव से देखा, अब मुझे बता सकते हो कि वो जो पेड़ है उसके नीचे तुम्हें क्या दिख रहा है। मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ, बोला पेड़ के नीचे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पेड़ ही दिख रहा है। बोलते हैं पेड़ के अंदर क्या होगा, मैं बोला जड़ तना। बोलते हैं वो मुझे दिखाओ, मैं बोला वो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो बोले कि क्यों नहीं देख सकते, मैं बोला मैं नहीं देख सकता हूँ क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है। तो उस आर्टिस्ट ने बोला एग्जैक्टली वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, तुमने सिर्फ उस पेड़ को देखा और मैंने ऑब्जर्व किया उसके नीचे के भाग को जो कि तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है, और ये ही मेरे लिए मेरा एब्स्ट्रैक्ट है। उस टाइम से जब भी मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देखता था तो मैं ये जरूर सोचता था कि उसको मैं किस चीज से रिलेट करूं, मतलब क्या सोच के। उस समय उसके बाद से एब्स्ट्रैक्ट की जो कहानी थी मेरे लिए थोड़ी अलग हो गई, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मैं बहुत ही गौर से देखने लगा। क्योंकि उस आर्टिस्ट ने कहा कि आप 2 मिनट किसी पेंटिंग को देख के जज नहीं कर सकते हो ये क्या है, आपको खुद पहले सोचना पड़ेगा, उनके कलर को देख के, उसके फॉर्म को देख के समझना पड़ेगा, उस पेंटिंग को आपको खुद से रिलेट करना पड़ेगा। कि जब तक उस पेंटिंग का रिलेशन आपके साथ नहीं होगा, आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट को या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म को ठीक से नहीं समझ पाओगे। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें जो मेरे कॉलेज के दौरान और सीखने के दौरान थोड़ी बहुत मुझे पता चली। यहाँ पे आके हमारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कंप्लीट होती है और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ आज का ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आपको कैसी लगी और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आप किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।